अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन सिंह सूर्यवंशी के नेतृत्व में शनिवार को शास्त्री चौक पर अधिवक्ता डॉक्टर दान पाल सिंह के ऊपर हुए जानलेवा हमले में गिरफ्तारी न होने पर विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि बीते 2 दिसंबर को रात्रि के समय राजघाट थाना क्षेत्र के अलहदादपुर के पास घर जाते समय कुछ लड़कियों के साथ हुए अभद्रता होने पर अधिवक्ता डॉक्टर दानपाल सिंह ने बीच बचाव किया था। दूसरे दिन ही छेड़खानी करने वाले 15 से 20 की संख्या में मनभड़ युवकों ने अधिवक्ता डॉक्टर दानपाल सिंह को मारपीट कर घायल कर दिया था। अधिवक्ता के ऊपर हुए हमले को लेकर अधिवक्ता संघ आक्रोशित है। इसी मामले को लेकर शनिवार को अपना समाज पार्टी ने शास्त्री चौक पर धरना दिया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने की मांग किया। वहीं जब इस संबंध में गोरखपुर न्यूज ने राजघाट इंस्पेक्टर राजेश पांडे से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अभी हम लोग अधिवक्ता साहब के ही घर पर ही हैं और उनका बयान दर्ज कर रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में धरनास्थल पर गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन सिंह सूर्यवंशी ने कहा, मान बेटियों के साथ छेड़छाड़ देना बंद करो, अपराधियों को समस्या देना बंद करो, चल रही बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ ये घोर निंदा और घोर चिंता का विषय है। ऐसे में अधिवक्ता समाज के बहादुर शिक्षक डॉक्टर दानपाल सिंह ने जब रोका और जानलेवा हमला किया, विगत 10 दिनों में एक भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आज गोरखपुर शहर में लगभग 10 दिन पहले लड़कियों के साथ सामूहिक स्थल पर छेड़छाड़ करते हुए अधिवक्ता डॉक्टर दानपाल सिंह द्वारा विरोध करने पर दूसरे दिन 15-20 की संख्या में अपराधियों द्वारा प्लानिंग के तहत उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। FIR के बाद भी राजघाट थाना ने एक भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए बहन बेटियों के साथ हो रहे छेड़खानी और उन अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए डॉक्टर दानपाल सिंह को न्याय दिलाने के लिए धरना रखा गया है।